आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। अगर आप भी राशन कार्ड लाभार्थी हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। सरकार के फैसले से आपको बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 19 से 30 जून तक फ्री राशन वितरित किया जाएगा, लेकिन इस बार लाभार्थियों को गेहूं की जगह 5 किलो चावल वितरित किया जाएगा। यानी इस बार आप फ्री राशन के तहत गेहूं से वंचित रह जाएंगे। इसके संबंध में खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। दरअसल अब तक फ्री राशन योजना के तहत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता था, लेकिन खाद्य व रसद विभाग के आयुक्त की तरफ से जारी आदेश के अनुसार इस बार गेहूं की जगह लाभार्थियों को सिर्फ 5 किलो चावल दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यूपी के साथ ही सरकार ने कई राज्यों में गेहूं के कोटे को कम करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि गेहूं की कम खरीद होने की वजह से सरकार ने राशन के कोटे में गेहूं की मात्रा कम करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि संशोधन केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए ही किया गया है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार गेहूं की जगह पर लगभग 55 लाख मैट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है। अगर आपको भी सरकार की इस योजना का लाभ मिलता है, तो आप पोर्टल ब्लीटी चालान के माध्यम से चावल ले सकेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 30 जून को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न ना ले पाने वाले पात्र व्यक्तियों को मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से चावल का वितरण किया जाएगा। वितरण के समय पारदर्शिता के लिए सभी दुकानों पर जिला अधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।